मेड़ के विवाद में सुबह 4 बजे तड़के एक महिला को धारदार हथियार से पैर काट दिए गए। जब वो गंभीर हालत में बेहोश हो गई तभी छत से गिर गई। घटना की जानकारी होने पर महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना इस्लाम नगर थाना क्षेत्र की धीमरपुर गाँव की है। बताऊं कि इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम धीमरपुर में बीती रात 3 बजे जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर सुनीता पत्नी प्रदीप के दोनों पैर काट दिए गए। परिजनों की सूचना मौके पर पहुंची 108 नंबर स्पेशल उद्यान में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। महिला जब घायल थी तभी छत से गिर गई। महिला के पैरों को गंभीर चोटों के निशान दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला के बेटे द्वारा मेड़ के विवाद में आरोपियों की बेटी से अपशब्द भाषा की गई, जिस पर पुलिस ने केवल 151 की कार्रवाई की थी, जिससे आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी उपदेश जितेंद्र श्याम बाबू अरुण पीड़िता के खादान के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? नाम सुनीता बाबू। अच्छा, कहाँ रहती हूँ आप? हम रहते हैं धीमरपुरा। ये क्या घटना घटी तो ये आपके साथ में? ये हमारे साथ में 4 बजे से 4 बजे तक घटना घटी है सर। हमें ऐसे मार मुट के सामने को फेंक दिया, फिर हमें होश नहीं है कि हमारे पैर पहले पैर काटे और धक्का दे दिया। हम इतने क्योंकि आए सर, किसी ने नहीं देखा कि कौन मर रहा है कौन। अच्छा, कौन लोग थे ये? हमारे लड़की आई भाजती हुई, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। कौन लोग थे वो चारों? चारों, एक तो हम भी सिंह थे, एक से हम बाबू, एक जितेंद्र, एक अरुण थे। अच्छा, गांव के ही हैं ये? गांव के ही हैं। क्या रंजिश थी इनकी? कुछ रंजिश मेड़ के पीछे। अच्छा, मेड़ के पीछे। हाँ, लड़के ने वो तो कहाँ कहाँ चोटें मारी हैं आपके? पैर में है सर, कमर में है। अच्छा, पैर से तो सर बेकार कर दिया। तो किससे हमला किया था आप पे? किस चीज से हमला किया था आपके ऊपर? कमर, इसमें धक्का मारा पहले पैर का। नहीं, किस चीज से आपके हमला किया था, किस चीज से मारा था आपको? कुछ होगा सर, मैंने ये तो नहीं देखा, मैंने लोगों को देखा, जब दुमल्ले पर से धक्का मारा तो आदमी क्या देख पाएगा पैरों को नीचे। तो इस मामले में पीड़िता की बेटी का कहना है कि 28 नवंबर को मेड़ का विवाद हुआ था, जिसको लेकर मेरे पिताजी और भाई घर पर नहीं थे। विवाद के चलते मेरे भाई को मारने के लिए जितेंद्र श्याम बाबू अरुण उपदेश आए हुए थे। जब भाई नहीं मिला तब उन लोगों ने मेरी मां को छत पर ले जाकर धक्का दे दिया और धारदार हथियार से पैर काट दिए। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ रहती हैं आप? धीमरपुरा। ये क्या घटना घटी हुई है आपकी मां के साथ? ये कुछ लोग घर में घुस गए थे रात को जी, छत जीने से जी, छत के रास्ते जी। इन्होंने चार लोगों ने दबोच के इन्हें छत पे ले गए जी। फिर इन्हें मारपीट हुई है, इनके सारे कपड़े भी फटे हुए हैं जी। फिर इन्हें छत से नीचे फेंका है जी, और इनके पैर काटे हैं। अच्छा, इसी हथियार से। कौन लोग थे ये? ये पड़ोसी हैं चारों। अच्छा, पड़ोसी हैं जी। नाम बताएंगे? ओमवीर जी, श्याम बाबू जी, और जितेंद्र और अरुण। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या विवाद था? उनसे मैड के पीछे लड़ाई हुई थी हमारी 28 तारीख को। अच्छा, तो तुम्हारे घर में और कोई नहीं था क्या? नहीं, मैं और मेरी मम्मी। अच्छा, भाई और पिताजी कहाँ थे? भाई ऑनलाइन कोरियर का काम करता है, वो कहीं रिश्तेदारी में रुक गया। सुनने में आया आपके भाई को मारने को आए? जी, भाई को मारने आए थे। अच्छा, पूछ भी रहे थे, इनसे पूछा होगा वो कहाँ है, तो इन्होंने कह दिया कोई नहीं है घर पे, मैं ही। अच्छा, तो दोनों पैर काट दिए? दोनों पैर बहुत बुरी हालत से काटे। तहरीर वगैरह दे दी आपने? जी, देने गए। इस घटना पर एसपी देहात का कहना है कि मेवाड़ के विवाद को लेकर महिलाओं पर हमला किया गया है, जिसको लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के पैरों पर गंभीर हथियार से वार करके घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस ने महिला के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के ग्राम धीमरपुरा की एक घटना है, जहां पर आज प्रातः पुलिस को 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धीमरपुरा की एक महिला सुनीता पत्नी प्रदीप कुमार को उनके पड़ोस में ही, जिनसे उनका मेड़ को लेकर के काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, उनके द्वारा घर में घुस करके और महिला के साथ मारपीट की गई और धारदार हथियार से उसके पैरों को चोट पहुँचाई गई और उसको घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। और इनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।